हाँ, तो हम लोग अभी लोकस डायग्राम इनएसी एनालिसिस पढ़ेंगे। तो लोकस डायग्राम कहाँ काम आता है? लोकस डायग्राम एनालिसिस में काम आता है हमारा। और के दूसरा काम क्या आता है? डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट। सर्किट को डिजाइन करना हो तो हम उसके बारे में पता करेंगे कि कैसे वैरी करेगा, कैसे उसका एंगल वैरी करेगा, कैसे उसमें करंट वैरी करेगा, कितना कहाँ तक जाएगा। तो वो सब देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? लोकस देखते हैं। जैसे कोई फिल्टर बनाना होता है तो लोकस से देख के बना सकते हैं। अगर एंगल और केवल एंगल वेरी करे, मान लो लोकस में हमने एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करे, तो उसका में क्या आता है? सेमी सर्किल आता है, देखेंगे क्वेश्चन के बाद से। और अगर एंगल कांस्टेंट हो, केवल मैग्नीट्यूड वेरी करे, तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन लोकस आता है। जैसे एंगल और मैग्नीट्यूड याद रखना काम करेगा, एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल हो तो हमारा लोकस क्या आएगा? सेमी सर्किल। अगर एंगल कॉन्स्टेंट हो और मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो तो क्या आएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कैसा क्या क्या आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन निकालते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ करंट। अगर नहीं भी लिखा हो तो हम पक्का किसका निकालेंगे? अगर लोकस पूछ रहा है तो हम जरूरी है कि हमारा लोकस किसका निकालते हैं? फाइंड द लोकस ऑफ करंट, करंट का निकालते हैं। तो जैसे हमारा ये सर्किट है R, ये है L और ये हमारा इनपुट Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी, यहां पर करंट है I, ठीक है। अब इसका हमें लोकस बनाना है, तो लोकस बनाना है कब कब? व्हेन, व्हेन पहला आर इज वेरिएबल, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। दूसरा लोकस बनाना है व्हेन एल इज वेरिएबल, क्या वेरिएबल हो? इंडक्टेंस वेरिएबल हो। तीसरा लोकस बनाना है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, आर वेरी कर सकते हैं, एल वेरी कर सकते हैं, वीएम का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकते हैं। वीएम का मैग्नीट्यूड वेरी करेंगे तो कोई ज्यादा नहीं, केवल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मेन यही तीन काम का है, तो हमारा तीन काम का है। तो हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे? आर इज वेरिएबल से देखते हैं लोकस क्या बनता है। तो आर इज वेरिएबल से करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं हम लोग? इसको हम लोग फेजर में लिख देते हैं। फेजर में लिखेंगे तो क्या आएगा? वीएम बाई रूट टू एट एंगल जीरो डिग्री लिख दिया हमने, वीएम बाई रूट टू एट एंगल जीरो डिग्री। अब क्या करेंगे? अगर वीएम बाई रूट टू एट एंगल जीरो डिग्री लिख दिया तो अब हम लोग इसका लोकस बनाने जाएंगे। लोकस बनाने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो मान लो इसको वी मान लेता हूं, वीएम बाई रूट टू को क्या मान लेता हूं? वी एट एंगल जीरो डिग्री। वीएम को क्या मान लिया? वी मान लिया। कभी कभी साइन ओमेगा टी में भी दे देता है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आरएमएस दिया हो तो आरएमएस के फॉर्म में देंगे आंसर, अगर पिक दिया हो तो पिक के फॉर्म में आंसर देंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, आरएमएस के फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको। तो हमारा करंट, हमारा सबसे पहले जेड निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर प्लस जे ओमेगा एल आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल। और हमारा करंट आई टी, आई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा वी एट एंगल जीरो डिग्री अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? वी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर एंगल माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ठीक है। क्या होगा? एंगल माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो जीरो माइनस दिस एंगल, दिस एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा करंट का डायग्राम आ गया, करंट आ गया और ये हमारा क्या आ गया? एंगल आ गया। अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करता हूं तो मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और एंगल भी वेरी करेगा। अगर इंडक्टेंस को वेरी करता हूं तो मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और एंगल भी वेरी करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तो मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और एंगल भी वेरी करेगा। यानी तीनों ही केस में क्या आएगा? सेमी सर्किल आएगा। तीनों ही केस में क्या आएगा? सेमी सर्किल आएगा, ठीक है। तीनों केस में क्या आएगा? सेमी सर्किल। तो मैं बनाता हूं आर इज इक्वल टू जीरो पे, देखता हूं कहानी क्या होता है। आर जीरो और इंफिनिटी से हमारा काम चल जाएगा। तो आर जीरो होगा तो क्या होगा? हमारा करंट का वैल्यू आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर आर जीरो किए तो हमारा आई इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन ओमेगा एल या वी अपॉन एक्सएल।
अगर आर को इन्फिनिटी, पहला केस लेके चल रहा हूं, फर्स्ट केस आर वेरिएबल, आर का वैल्यू जीरो से लेके कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। अगर मैं आर का वैल्यू चेंज करूं तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं फेजर के साथ मैग्नीट्यूड भी देखूं और एंगल भी देखूं, तो आर जीरो हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 90 डिग्री या वी बाई ओमेगा एल, एंगल क्या हो जाएगा बाबू, वी बाई एक्सएल, एंगल क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं माइनस जे वी बाई एक्सएल। ठीक है, यहां से भी आर जीरो करोगे तो वी बाई एक्सएल माइनस जे आ जाएगा। आर को इन्फिनिटी कर देते हैं, इन्फिनिटी करेंगे तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, और एंगल क्या आ जाएगा बाबू, एंगल भी आ जाएगा जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, क्या आ गया ओरिजिन, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इमेजिनरी एक्सिस। कौन सा इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब हमारा लोकस क्या होगा, ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो अगर मैं आर का वैल्यू जीरो रखूं तो ये हमारा आर का वैल्यू जीरो पे क्या आएगा, इमेजिनरी एक्सिस। आर का वैल्यू इंफिनिटी रखूं तो क्या आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, जीरो रखा तो ये आया। अब क्या होगा हमारा, देखो एंगल हमेशा क्या रह रहा है बाबू, माइनस में रह रहा है, यानी हमारा एंगल जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है, माइनस 90। तो जीरो से लेकर माइनस 90 जा रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, ये किस क्वाड्रेंट में चलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा और अच्छा बना दो, ना समझ में आओगा फिर से देख लेना वीडियो। तो इसका डायमीटर कितना आ गया रे, इसका ये वैल्यू क्या है, v by xl, ये वैल्यू क्या है, v by xl, तो v by xl है तो डायमीटर कितना गया, v by xl का। सेंटर कितना आ गया, अगर मैं पूछूं डायमीटर तो डायमीटर बोलोगे v by xl का, और सेंटर, सेंटर आ जाएगा इसका जीरो कॉमा एक्स, तो जीरो है, इमेजिनरी क्या हो जाएगा, v by 2 xl माइनस के साथ आधा हो जाएगा, हाफ हो गया, काम खत्म। इसका क्या बोलेंगे बाबू, सेमी सर्किल होगा जिसका डायमीटर v by xl और सेंटर जीरो माइनस v by 2 xl, हो गया काम खत्म। लिख लो, लिख लिया गया होगा आपने शायद। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बनाएंगे, दूसरा चीज देखेंगे, क्या बाबू, एल इज वेरिएबल, बी पार्ट, एल इज वेरिएबल, एल वेरिएबल हो तो क्या हो, एल वेरिएबल होगा तो एल का वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, एल का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई आर, आई कितना आ जाएगा, वी बाई आर, एंगल कितना आ जाएगा, जीरो। आई का वैल्यू अगर मैं क्या रखूं बाबू, अगर एल का वैल्यू मैं क्या रखूं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, माइनस 90। ठीक है, इसका मतलब मेरा पहले कहां पे होगा बाबू, ये रियल एक्सिस है तो पहले वी बाई आर रियल एक्सिस होगा, और ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, और किस क्वाड्रेंट पर रहेगा, एंगल नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर रहेगा, तो रियल एक्सिस से कहां जाएगा बाबू, ओरिजिन की तरफ, ये हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू, जैसे ये हमारा करंट है तो पहले करंट कहां पे होगा, यहां पे, बाद में करंट कहां पे होगा, यहां पे, बाद में यहां पे, यानी करंट धीरे 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 डिक्रीज होते 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 यहां पे चला जाएगा, यानी पहले करंट यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर, कब, जब एल जीरो होगा तो, और फिर करंट कितना हो जाएगा, जीरो जब एल इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये मेरा एक पाथ बना जो ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये पाथ बना, तो ये कैसा पाथ बना बाबू, सेमी सर्किल का, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगा वी बाई आर, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा
पी बाई टू आर और क्या हो जाएगा जीरो। देखो ये जीरो से स्टार्ट किया एंगल से और 90 से ऐसे जा रहा है तो माइनस 90 से जा रहा है ओरिजिन पे। तो ये हमारा हो गया, बहुत आसान सवाल होता है। तो हमारा करंट का वैल्यू पहले कितना होगा बाबू, वी बाई आर, फिर एल के बाद बढ़ाएंगे वैल्यू बा तो कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। पहले वो क्या होगा करंट का वैल्यू रियल एक्सिस पे, क्योंकि एल का वैल्यू जीरो होगा तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा जीरो, एक्सएल का वैल्यू जीरो होगा तो प्योरली रियल होगा यानी इन फेज में आएगा रियल आएगा। फिर उसके बाद से क्या करेगा लैग करने लगेगा, लैग करने लगेगा तो धीरे धीरे लैग 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 लैग, तो पहले ऐसे रहेगा, फिर ये वैल्यू क्या होगा पहले ऐसे होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे करते 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 धीरे धीरे चला जाएगा। यानी इसका कैसा डायग्राम बनेगा ऐसा सेमी सर्किल का। लिख लेना फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बना लेता हूं सी पार्ट, बहुत आसान सवाल होता है। सी पार्ट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बना दिया, एफ को वेरिएबल, तो एफ जीरो एफ इंफिनिटी, एफ जीरो करेंगे इंफिनिटी करेंगे सेम आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ इजिकल टू जीरो और ये क्या हो जाएगा एफ इजिकल टू इंफिनिटी। तुम एफ को जीरो करो, एफ जीरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा बी बाई आर, एफ इंफिनिटी करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो, एफ जीरो करोगे तो एंगल कितना आएगा जीरो और एफ इंफिनिटी करोगे तो माइनस 90, सेम आंसर आएगा। जैसा एल का नेचर वैसा एफ का नेचर, सॉल्व हो गया तीनों को सॉल्व हो गया। यानी जब भी मेरा एंगल और मैग्नीट्यूड क्या हो वेरिएबल हो तो क्या बनेगा सेमी सर्किल, जब भी एंगल मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो तो क्या बनेगा सेमी सर्किल। सवाल और बनाते हैं, बनाइए इस सवाल को, मे भी बना लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके बनाया कीजिए हमेशा। तो हम लोग क्या बोला है एक कैपेसिटर है कितना का माइनस जे 0.02, एक क्या हम लोग को रजिस्टर है आर और एक इंडक्टर है माइनस जे 0.01, ठीक है। और इन दोनों का क्या है इसका एडमिटेंस देखना है, इसका क्या देखना है वाई देखना। तो वाई का क्या होगा बाबू फॉर्मूला, इसमें वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को 1/r माइनस प्लस जे 0.01 प्लस 1/ माइनस जे 0.02, कितना आ जाएगा हम लोग को, हम लोग को आ जाएगा आर माइनस जे 0.01 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस जे अपॉन 0.02, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बाबू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/100 का होल स्क्वायर प्लस जे 150 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी 0.01 ही डाल देते हैं, इसमें क्या है बाबू इसमें एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा और देखा जाए तो एंगल भी वेरी करेगा। कैसे दिस बाय दिस करो एंगल भी वेरी करेगा, इसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा और एंगल भी वेरी करेगा। इसका एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहेगा और एंगल कांस्टेंट रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड और एंगल दोनों वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड एंड एंगल बोथ वेरिएबल, बोथ वेरिएबल यानी दोनों वेरिएबल है। तो या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, सी और डी तो नहीं होगा। तो अब हमारी बात आती है कि कैसे हमारा एम्पलीट्यूड एंगल वेरिएबल है, तो देख लो एम्पलीट्यूड निकाल के एंगल निकाल के देख लो दोनों वेरिएबल मिलेगा। अब हम देखेंगे आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना होगा बाबू शुरू में जीरो, जब आर का वैल्यू जीरो होगा तो हमारा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, ये तो जीरो हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू जे
50 माइनस 100 पुट करके देख लेना कितना आ जाएगा माइनस जे 50। फिर आर का वैल्यू इंफिनिटी करो, आर का वैल्यू इंफिनिटी करोगे तो ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी वाई का वैल्यू क्या जाएगा बाबू जे 50। यानी मेरा ये कैसे वेरी करेगा बाबू, ये रियल है और ये हमारा क्या होगा एक होगा माइनस जे 50, एक होगा प्लस जे 50, तो एक प्लस जे 50 और एक माइनस जे 50। अब देखते हैं हम लोग कि प्लस जे 50 और माइनस जे 50 और रियल वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यानी रियल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में बाबू फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर रियल वैल्यू नेगेटिव हमेशा आता तो फर्स्ट एंड क्या जाता बाबू फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। अगर दोनों आता नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता तो क्या आता बाबू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों में आता। यानी अगर रियल पॉजिटिव होता तो फर्स्ट और फोर्थ, रियल नेगेटिव होता तो सेकेंड एंड थर्ड, अगर रियल नेगेटिव और पॉजिटिव चारों होता तो क्या होता बाबू चारों में आता। हम देखें कि रियल पॉजिटिव है तो रियल पॉजिटिव है यानी हमारा इसमें लाइक करेगा और ऐसे जाएगा, ये मेरा आर का वैल्यू क्या है जीरो, ये आर का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, हमारा वैल्यू आ गया। अब देख लो कितना डायमीटर है, डायमीटर है इसका जे 100, और कितना सेंटर है इसका, कहां पे सेंटर होगा बीचों बीच ओरिजिन पे, तो आंसर हो जाएगा ए। रेडियस पूछा होता तो जे 50, लेकिन डायमीटर पूछा है तो जे 100, सेंटर ओरिजिन पे बीचों बीच आएगा, हो गया काम खत्म, लिख लीजिए इसे। लिख लिया होगा शायद आपने, ठीक है। तो हमको बनाना है किसको रेफरेंस लेके बाबू, जीरो को, ओ को रेफरेंस लेके सवाल को बनाना है। तो बोला है कि ऑल द फिगर जिसमें रेफरेंस पोटेंशियल क्या होगा बाबू पॉइंट ओ, ओ पॉइंट रेफरेंस है, मतलब ओ जो है वो जीरो वोल्ट है। बोला है कि वी एक्स वाई का फेजर बनाओ, आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, आर इन जीरो से इंफिनिटी वेरी कर रहा है, तो बनाइए इसे। में भी बना लिया होगा आपने, तो क्या करेंगे पहले वी एक्स वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे वी एक्स वाई, वी एक्स वाई निकालेंगे तो हमारा वी वाई एक्स निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं करंट कितना फ्लो करेगा, ये प्लस ये माइनस, एरो ऊपर का मतलब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, एरो ऊपर का मतलब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो सोर्स में ऊपर की तरफ कब फ्लो करता है बाबू, जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, सोर्स है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा हम लोग को लोड आर, और यहां पर क्या आ गया सी, और ये हमारा है करंट, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस, इसमें हम फॉर्म लगा देंगे, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसको एक्स सी लिख देते हैं, माइनस जे एक्स सी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू हम लोग को V एट एंगल 0 डिग्री, V एट एंगल 0 डिग्री, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 V एट एंगल 0 डिग्री R माइनस जे एक्स सी। फिर क्या करेंगे बाबू, एक तो लगा दिए ये रेफरेंस, फिर हम लोग को है ये प्लस और ये माइनस, फिर इसमें हम लगा देंगे देखना दूसरा वाला, एक बड़ा लूप से ये आया, छोटा लूप से देखते हैं, छोटा लूप से ये प्लस ये माइनस ये वी वाई एक्स, अगर देखना चाहो तो थोड़ा इसको ब्लू से कर देता हूं, अब ब्लू वाला से देखता हूं, तो ब्लू वाला से देखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस से किधर गए प्लस वी एट एंगल जीरो, फिर माइनस से किधर गए बाबू प्लस से माइनस, माइनस आई आर, फिर प्लस से माइनस प्लस वी एक्स वाई, वी वाई एक्स इजिकल टू जीरो, तो वी वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा वी एट एंगल जीरो माइनस प्लस आई आर। आगे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा वी एट एंगल जीरो
प्लस टू वी एट एंगल जीरो, वी आर एट एंगल जीरो प्लस आर माइनस जे एक्स सी, पुट कर दिया मैंने आई का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा आर आर कट जाएगा तो आर आर कट जाएगा तो वी वी कट गया तो हमारा हो जाएगा वी एट एंगल जीरो कॉमन ले लो आर प्लस जे एक्स सी एंड आर माइनस जे एक्स सी, लिमिट लगाने आता होगा तो आर इज इक्वल टू जीरो पे हम चेक करेंगे वी वाई एक्स, वी वाई एक्स आर इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा बाबू, वी एट एंगल जीरो, आर जीरो रख दिया तो माइनस वी आ जाएगा, माइनस वी एट एंगल जीरो और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, आर को कॉमन ले लेंगे एक्स एक्सिस वाला जीरो हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा इन्फिनिटी पे लिमिट लगाने आता होगा तो हमारा वी वाई एक्स कितना हो जाएगा बाबू, ऐसा ले लेता हूँ थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, लिमिट लगा दिया तो जीरो, लिमिट लगा दिया तो जीरो, जीरो हो गया तो क्या आ जाएगा हम लोग को वैल्यू बाबू, वी वाई एक्स इज इक्वल टू वी एट एंगल जीरो डिग्री। अब हमारा रेफरेंस क्या है बाबू, ओ पॉइंट है, रेफरेंस क्या है ओ पॉइंट है, तो वी वाई एक्स मतलब क्या होता है बाबू, वी वाई एक्स मतलब हमारा वी वाई एक्स मतलब होता है वी वाई माइनस वी एक्स, वी वाई माइनस वी एक्स, तो वी वाई एक्स हमको आ चुका है, हमको रेफरेंस क्या लेना है बाबू, ओ पॉइंट लेना है, ओ पॉइंट लेना है यानी ओ के रिस्पेक्ट में एक्स को देखेंगे तो ओ पॉइंट लिया मैंने तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा ये समझना बाबू, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई एक्स प्लस वी एक्स, वी वाई एक्स प्लस वी एक्स। अब वी एक्स कितना हो जाएगा बाबू, ये अगर जीरो वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा बाबू, वी एक्स वी एट एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा, तो अगर मैं पूछू वी एक्स कितना होगा तो वी एट एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री, वोल्टेज का राइज हो रहा है अगर मैं इसको जीरो वोल्ट मान रहा हूं तो यानी हमारा ओ के रेस्पेक्ट में वी एक्स वाई क्या जाएगा, वी वाई एक्स कितना है बाबू, तो वी वाई प्लस वी एक्स, वी एक्स कितना है बाबू, वी वाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा बाबू जीरो, वी एट एंगल जीरो, यानी आर इज इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा हम लोग को वैल्यू, वी वाई इज इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर देंगे तो, और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग को, टू वी एट एंगल जीरो, और हम यहां पे देख रहे हैं कि इसका हमारा क्या हो रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, देखो मैग्नीट्यूड माइनस भी प्लस भी आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा ना, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और एंगल भी वेरी कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड चलो वेरी नहीं कर रहा है लेकिन एंगल वेरी जरूर कर रहा है, तो एंगल वेरी कर रहा है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है, कितना रेडियस है बाबू भी आएगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड वी, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया वी हो गया, और इसका एंगल देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इसका एंगल, इसका एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, और ये ऊपर जा जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, तो टू टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, आर के हिसाब से हमारा एंगल वेरी करेगा, तो यानी अगर मैं पूछूं कि इस वैल्यू को देखूं तो वी वाई एक्स में देखूं क्या देखूं वी वाई एक्स, तो हमारा क्या वेरी कर रहा है बाबू, नहीं तो देख लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर वी वाई का देखा जाए तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों वेरी कर रहा था, यानी हमारा ये बन जाएगा जीरो से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म होगा बाबू, जीरो से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा टू वी पे, और कितना रेडियस रहेगा इसका बाबू वी, देखा जाए तो जीरो से माइनस वी से माइनस भी जा रहा है वी और ये माइनस वी, लेकिन इसको रेफरेंस लेके चलना है तो जीरो से लेके कहां तक चलेगा बाबू वी से टू वी तक, तो जीरो से लेके कहां तक चल रहा है टू वी तक, और ये मेरा पाथ हो गया, ये आर इज इक्वल टू जीरो हो गया और ये आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, R is equal to zero, R is equal to infinity. लिख लेना, अच्छा सवाल है ये। मैग्नीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहा है, कितना रहा है बाबू भी रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, इसलिए सेमी सर्किल पाथ ऐसे बन रहा है।
एक बार कहाँ रहेगा बाबू, माइनस भी, एक बार क्या रहेगा प्लस भी, अगर इसको रेफरेंस लू तो। अगर मैं रेफरेंस इधर कर दू तो ये जीरो से लेकर कहां तो जाएगा भी और टू भी, तो मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया। ये रेफरेंस में क्या है बाबू, एक्स रेफरेंस है, और इस रेफरेंस में क्या है बाबू, वह जीरो रेफरेंस है, एक्स को भी मैंने वोल्टेज दे दिया तो जीरो रेफरेंस है। अगर एक्स रेफरेंस से होता तो हमारा क्या होता, माइनस वी से प्लस वी तक लिख देते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट सवाल, आर सी आर टू ये समझ में आ गया तो खत्म। लोकस खत्म। क्या बोला है, आई का लोकस बनाने को। क्या वेरिएबल है हमारा, आई वन वेरिएबल, आर वेरिएबल, आर वेरिएबल है, इसका मतलब क्या वेरिएबल है, आई वन वेरिएबल है, तो आई वन वेरिएबल है, आई टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज जो हमारा वी है वो क्या है बाबू, हम लोग को कांस्टेंट है, वी जो दिया है यहाँ पे, जो V है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो V एट एंगल जीरो डिग्री पे दिया है, तो V हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें V कांस्टेंट, R1 भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, तो करंट कांस्टेंट होगा, इसमें V कांस्टेंट लेकिन R1 वेरिएबल, R वेरिएबल, इसलिए I1 कांस्टेंट और नहीं होगा, तो हमारा I1 कांस्टेंट नहीं होगा, तो I2 प्लस I1 है, तो I भी वेरिएबल होगा, लेकिन I किसके हिसाब से वेरी करेगा, I1 के हिसाब से वेरी करेगा, तो बनाइए इसे, सोचिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, मे भी बना लिया होगा आपने। तो देखिए I1 क्या होगा हम लोग को, I2 पहले देखते हैं, I2 क्या हो जाएगा, V एट एंगल जीरो डिग्री अपॉन R माइनस जे एक्स सी, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस जे एक्स सी, तो V अंडर रूट क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एंगल टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन R। तो देखो I2 कांस्टेंट रहेगा, क्यों I2 कांस्टेंट होगा, क्योंकि V कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है, XC कांस्टेंट है, XC कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, सिंस सिंस V R1 XC R कांस्टेंट, हेंस I2 इज कांस्टेंट, I2 कांस्टेंट होगा, तो मैं एक फेजर बनाता हूं, ये मेरा भी है एट एंगल जीरो डिग्री पे, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब I2 की बात है, I2 क्या करेगा बाबू, एक वैल्यू होगा और साथ में कुछ एंगल होगा, एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब लीड करेगा, कैपेसिटर वाला ऐसे भी जानते हैं कि लीड करता है, तो I2 एक लीड करेगा, जो कितना एंगल होगा बाबू, थीटा, थीटा आर सी नाम दे देता हूं इसका, थीटा आर सी, चलो इसको आर वन नाम दे देता हूँ, इसको आर, इसको आर वन नाम दे देता हूँ, तो ये आर वन आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो आर वन हटा दो, थीटा आर सी, थीटा आर सी क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा आर सी कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, टेन थीटा आर सी कितना आ जाएगा बाबू, एक्स सी अपॉन आर, ये कॉन्स्टेंट है। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा हमारा, I1 का देखेंगे, I1 क्या हो जाएगा, I1 चेक करते हैं, I1 क्या हो जाएगा हम लोग को, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V एट एंगल जीरो डिवाइडेड बाय R1, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है इसीलिए R1 इसका नाम दे दिया, तो डिवाइडेड बाय R1। अब क्या होगा, I1 का वैल्यू, अगर R1 का वैल्यू जीरो रखूं तो I1 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, और अगर R1 का वैल्यू क्या रखूं, इनफिनाइट रखूं, तो हमारा I1 क्या आ जाएगा बाबू, जीरो, मतलब मेरा यहां से I क्या होगा बाबू, चेंज करते रहेगा,
तो यहां पे पूछू अगर मेरा आई यहां पे है आई वन, तो क्या बोलोगे? आई वन सर यहां पे है, तो आर वन का वैल्यू बहुत बड़ा है, थोड़ा और आगे बढ़ा तो आर वन का वैल्यू घटा, थोड़ा और आगे बढ़ा तो आर वन का वैल्यू घटा, थोड़ा और आगे बढ़ा तो आर वन का वैल्यू घटा, और आगे बढ़ा आर वन का वैल्यू घटा, और आगे बढ़ा आर वन का वैल्यू घटा, और आगे बढ़ा आर वन का वैल्यू घटा। तो यानी हमारा आर वन का वैल्यू क्या हो रहा है बाबू? घट रहा है। कब कब घट रहा है बाबू? कि जब जब हमारा क्या हो रहा है बाबू, जब जब हमारा क्या हो रहा है कि हमारा आर वन का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे आर वन ज्यादा, यहां पे आर वन कम 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 कम, घट रहा है तो बढ़ रहा है आगे आई वन। तो आई वन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोग को, थोड़ा इंक ज्यादा हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस आई वन पे देखूं तो कुछ ऐसा कहानी होगा, समझना। कुछ आर वन का एक वैल्यू ले लिए जो बहुत बड़ा है, तो इस पे कुछ ऐसा कहानी होगा और एक करंट आएगा, बोलो है ना। फिर क्या होगा हमारा, फिर मैं इस आर वन पे देखूं, आर वन का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज किया डिक्रीज किया, तो ये मेरा आर वन का वैल्यू डिक्रीज किया, तो अब मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बाबू? कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा डायग्राम में, फिर से बता देता हूं। जीरो डिग्री पे ले लिया और ये मेरा आई टू हो गया, थोड़ा छोटा बनाता हूं आई टू, और ये मेरा क्या हुआ, जैसे जैसे आई हम लोग वैल्यू बढ़ेंगे वैसे वैसे आई वन का वैल्यू, आर वन का वैल्यू घटेगा वैसे वैसे आई वन का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे आई वन का वैल्यू बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ हमारा, अगर देखा जाए तो अगर मैं पूछूं आर वन के हाई वैल्यू पे ये होगा, ठीक ना, आर वन के हाई वैल्यू पे ये होगा, आर टू के और लोगे तो आर वन के थोड़ा और कम किए तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यानी अगर आर वन का हाई वैल्यू होगा तो ये रिजल्टेंट करंट आएगा, अगर आर वन का वैल्यू थोड़ा सा और हाई लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा। अगर मैं पूछूं आर वन का वैल्यू और थोड़ा कम कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, फिर बोलू कि आर वन का वैल्यू थोड़ा और कम कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, फिर मैं बोलू कि और आर वन का वैल्यू कर दिए तो ये मेरा आ गया आई। ये किसका गया है बाबू? आई वन है ये सब, ये सब क्या है? आई वन है। ये आई वन कब निकल रहा है बाबू? ये आई वन तब से निकल रहा है, इधर आर वन का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है तब, तो ऐसे आई वन बढ़ रहा है। तो ये मेरा आई वन और आई टू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आई 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 आई। कैसे करते हैं? एक करंट, एक ये करंट, तो क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, एक और पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ये रिजल्टेंट क्या बता देता है हमारा, टोटल करंट बता देता है। तो ये मेरा आई वन था, ये मेरा आई टू था, तो ये मेरा आई बता दिया। तो क्या हो रहा, आई का वैल्यू इस लाइन पे वेरी कर रहा है, देखा जाए तो इसका टिप इस लाइन पे रह रहा है, देखो इस लाइन पे, इस लाइन पे रह रहा है। यानी क्या बोलेंगे, द इमेजिनरी हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लिया तो ये एक्स एक्सिस का क्या मिल रहा है बाबू? पैरेलल। और ये कैसे जा रहा है बाबू? इन्फिनिटी से जीरो की तरफ, मतलब इन्फिनिटी से आई टू की तरफ। अगर आई वन जीरो हो जाए तो कितना हो जाएगा आई, अगर I1 जीरो हो जाए तो I क्या हो जाएगा? I2 के बराबर। यानी हमारा ये लाइन पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे देखोगे तो ऐसे हमारा क्या वेरी कर रहा है बाबू? I वेरी कर रहा है। कब? जब जब हमारा R1 इंक्रीज कर रहा है। ऐसे हमारा कौन वेरी कर रहा है? I1 वेरी कर रहा है। कब? जब मेरा R1 इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ मिला। अब कहोगे नहीं सर, हमारा तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों वेरी कर रहा है। वो ठीक है, हमें लोकस ढूंढना है, हमें लोकस ढूंढना है, तो लोकस ये है,
स्ट्रेट लाइन जहां पे टिप लाई कर रहा है उसका, तो देख लीजिए यही हमारा है क्या लोकस डायग्राम। देख लिया ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम लोग का एसी एनालिसिस खत्म हो गया। थोड़ा सा मैंने पीछे ही बोल दिया था रेजोनेंस में खत्म हो गया, लेकिन याद आया कि मैंने लोकस नहीं बताया, तो लोकस मैंने आपको बता दिया। एक सवाल और बचा हुआ है, वो इसी में पूछा हुआ, वो खुद से देख के बना लीजिएगा। याद रखिएगा जब भी एंगल और मैग्नीट्यूड या केवल एंगल वेरी करे तो क्या बनेगा? सेमी सर्किल। और केवल एंगल कॉन्स्टेंट हो जाए तो क्या बनेगा? हमारा एंगल कॉन्स्टेंट हो जाए तो स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे पिछला वाला केस में हमारा क्या था, सबसे पहला वाला केस में एंगल मैग्नीट्यूड दोनों वेरी कर रहा था, तो एंगल वेरी कर रहा था इसीलिए सेमी सर्किल बन रहा था। और अगर मेरा क्या वेरी करे, केवल एंगल कॉन्स्टेंट हो जाए, जैसे इस केस में हमारा एंगल क्या था, कॉन्स्टेंट था टैन थीटा आर सी, इसमें हमारा एंगल वेरी नहीं करता, रिजल्टेंट का वेरी कर रहा था, लेकिन एंगल हमारा आई वन का वेरी नहीं कर रहा था। आई वन में कोई एंगल ही नहीं था, आई वन रियल पार्ट था, तो आई वन वेरी नहीं कर रहा था। आई वन में केवल मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था। आई वन में क्या था, वी बाई आर वन था, तो उसमें केवल हमारा क्या वेरी कर रहा था, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था, तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था इसीलिए हमारा क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। तो ये हमारा लोकस यहाँ पे खत्म होता है, एसी एनालिसिस खत्म होता है। अगर कुछ बचा हो तो देख लेंगे फिर से, और हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे आगे चल के सुपरपोजिशन थ्योरम, और क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोकल और टेलिगेंस। और टेलिगेंस ऐसे बता चुका हूँ पहले पावर में, लेकिन फिर से बता दूंगा, थोड़ा सा केवल बात लिखवा दूंगा टेलिगेंस थ्योरम। और उसके बाद से हमारा टेलिगेंस थ्योरम खत्म होने के बाद से एक मिलवन थ्योरम। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे 5-6 घंटे में खत्म हो जाता है, 4-5 से 6 घंटे के अंदर में बचता है। मेन हमारा क्या बचता है, हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या बचता है, हमारा अगला टॉपिक बचता है हम लोग को टू पोर्ट नेटवर्क, थोड़ा वो टाइम लेता है 6 से 7 घंटे, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं।